हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात के बज रहे हैं 2 और मैं अभी अपना स्टडी कर रही हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे माइंड में इतना टेंशन है स्टडी को लेकर, और जिसके कारण मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मुझे टाइम मिले मैं उसको यूटिलाइज करूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब आपको टाइम मिलता है तो आप उस टाइम को समझ नहीं पाते हैं, और जब आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि उस टाइम को कैसे पकड़ूँ। तो वही चीज़ मेरे साथ अभी है। जब इसी मेरे से छोटा बच्चा है तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का जितना मिलना चाहिए, लेकिन मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उस टाइम को ज़रा से वेस्ट नहीं करती हूँ। अब अभी देखिए रात के 2 बज रहे हैं, मैं भूल गई घड़ी शो करना, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इतना शो करना ज़रूरी है, और मुझे इतना याद भी नहीं था कि मुझे घड़ी दिखाना है, टाइम दिखाना है। तो आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने में ऑनेस्ट हूँ। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे मेरे मन में क्या होता है कि नींद नहीं आती है तो नेगेटिव थॉट आते हैं। तो उससे अच्छा है कि मैं अपना कुछ पॉजिटिव चीज़ करूँ, यूटिलाइज़ करूँ अपने टाइम को। यहाँ पे मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, और मैंने फॉर्म फिल किया है, SSC CGL का भी फॉर्म फिल किया है, तो मैं उसको भी देखती हूँ। तो आप सोचते होंगे ये क्या पढ़ती है, कितना कुछ पढ़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सब चीज़ को लेकर चलती हूँ, और आपको पता ही है कि सब चीज़ का एक दूसरे से लिंक रहता है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, एक चीज़ को पकड़ के मत चलिए, क्योंकि एक चीज़ को पकड़ के चलिएगा तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा। जिस तरह से मैंने पकड़ कर चला एक चीज़ को, और मैं पछताती हूँ बहुत चीज़ों में, लेकिन अब मैंने खुद को डिसाइड किया कि मैं एक चीज़ को पकड़ कर नहीं चलूँगी। मैं साथ में सब कुछ अच्छे से धीरे धीरे पढ़ूँगी और लिंक करके ही पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे जॉब भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जॉब करना। और इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो अगर आपको बड़े चीज़ को पाना है तो आपको छोटे चीज़ों को से आगे बढ़ना होगा। आपको पहले छोटा चीज़ को पाना होगा, तभी आप बड़े चीज़ को पा सकते हैं। अगर आप सोचिएगा कि मैं एक बार बड़ा चीज़ ही पा लूँ तो फिर आप छोटा चीज़ को भी नहीं पा सकिएगा, और आपका टाइम भी निकल जाएगा और एज भी निकल जाएगा। तो ये मैं सोचती हूँ ऐसा। आप लोग कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप भी सहमत हैं मैं जो बोल रही हूँ। और मैं हर एक लड़की से, हर एक जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भले आपके पास सारे संसाधन हैं, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप खुद के पैरों पर खड़े होइए। आपको ऐसा ना हो कि आपको एक रुपया भी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। हाँ, आपका अधिकार है, क्योंकि आप शादी के पहले पापा के पास, शादी के बाद पति के पास, और अगर आपका एज हो जाएगा तो आप बेटे के पास डिपेंड रहिएगा। लेकिन क्या कीजिए कि नहीं, अगर आपके पास अभी टाइम है और आप कर सकती हैं तो आप पैरों पे खड़े होइए। आप एक रुपया ही कमाइए, लेकिन खुद के पैसे से कमाइए, ताकि आप छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा डिसीजन खुद ले सकें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है। और अगर आपको ये सपोर्ट मिलता है तो आप इसको छोड़िए मत, और अगर इस बात को अगर आपको कोई समझाता है तो आप इस बात को मानिए। मुझे भी पहले ये सब समझ में नहीं आता था, मैं सोचती थी कि मुझे क्या ज़रूरत है पैसे की, मुझे क्यों जॉब करना है, सब चीज़ तो मेरे पास है। लेकिन आज पता चल रहा है कि नहीं, मुझे खुद पे डिपेंड होना है, खुद पैरों पे खड़ा होना है। और इसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गुड नाइट।